हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। हाँ तो गाइस, कन्नड़ इंडस्ट्री के ऋषभ शेट्टी सर की डिवाइन ब्लॉकबस्टर मूवी यानी कि कंतारा मूवी ने जो नॉर्थ में घुस के भाई साहब तोड़फोड़ मचाई थी ना, तो इंडियन सिनेमा भाई साहब चमक उठा था। और गाइस अब कंतारा पार्ट सॉरी चैप्टर वन के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अपकमिंग अनाउंसमेंट के लिए शूटिंग से रिलेटेड चल क्या रहा है, मूवी की टीम क्या कर रही है, तो काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉमेंट किए कि हर्ष भाई कंतारा चैप्टर वन के बारे में कुछ अपडेट दे दो, ये जो प्रीक्वल आने वाला है इसका क्या अपडेट है, आज शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या चल रहा है, मतलब कि लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर आ रहा है, आप हमारे साथ शेयर कर दो। तो गाइज मल्टीपल अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कन्नड़ इंडस्ट्री के फैन के लिए, कंतारा मूवी के फैन के लिए और ऋषभ शेट्टी सर के फैन के लिए। लेकिन उससे पहले आप यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइज, कंतारा मूवी ने जो नॉर्थ में घुस के सॉरी पैन इंडिया में जो बवाल क्रिएट किया था, क्योंकि अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो बुरा मत मानिएगा, एक छोटे से इंडस्ट्री से उठकर नॉर्थ में उठकर और पूरे पैन वर्ल्ड में अपनी ऐसी धात बना लेना जो कि अब भाई साहब रश के तौर पर देखने को मिल रही है। तो गाइस जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। हाँ तो गाइस अभी जो मूवी की टीम भाई साहब एक एक्टर से बातचीत कर रही है मूवी में, मतलब होता ना इम्पोर्टेंट कैमियो के लिए बात कर रही है, हम बोले फिल्म प्रोड्यूसर अपने विजय किरंगदूर। हाँ तो गाइज अभी एक एक्ट्रेस से बात चल रही है वो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए, जिसका जो नाम है रुक्मणी वसंत, यही है ना। हाँ, रुक्मणी वसंत से बातचीत चल रही है, टॉक चल रहा है कि भाई साहब आप क्या मतलब कि अपनी कंतारा में काम करेंगे क्या। तो अभी गाइज उनका लुक देखा जा रहा है किस तरह से, वो मतलब कि लुक होता ना तो वो देखा जा रहा है, वो अगर सेट हो जाता है तो अपने को रुक्मणी वसंत भाई साहब अपने को कंतारा चैप्टर वन में देखने को मिल सकती है। और गाइज अगर अपन बात करें इसके जो थ्रेटिकल राइट है, आप पोस्ट थ्रेटिकल राइट से उसके बारे में बात कर लेते, तो गाइज ऐसा कहा जा रहा है इसके जो राइट्स बाय किए हैं ऑफिशियल बता रहा हूं भाई साहब अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने किए, और बताया जा रहा उसका अमाउंट काफी ह्यूज है, काफी बड़ा, काफी विशाल, मतलब कि देखा जाए ना तो काफी हेवी अमाउंट में भाई साहब बैक्ड किया है अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने। भाई साहब मैं तो सोचकर ही डर रहा हूं, क्योंकि यार ये वहां के मतलब ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये इधर ही लोगों के हैं कि वहां से आके यहाँ पे आप तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हो। तो भाई साहब अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने काफी हेवी ह्यूज लेवल पे भाई साहब इसके राइट्स बैक्ड कर लिए हैं, बाय कर लिए हैं, जो कि अब तबाही करने वाला है। वहीं अगर अपन बात करें भाई साहब इसके शूट के बारे में, तो शूटिंग भाई साहब शूट इन प्रोग्रेस चल रहा है, शूट चल रहा है भाई साहब, और अप्रैल मंथ से कोई एक नया शेड्यूल ज्वाइन करने वाले हैं, आई थिंक कोई विलेज का है, वहाँ का अपडेट निकल कर आया है, लेकिन कौन सा विलेज होने वाला है उसका अपडेट नहीं है, अगर अपडेट आ जाता तो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाकी गाइस क्या है क्या नहीं है, बस मैं ये जानता हूँ कि ये मूवी भाई साहब इंडियन सिनेमा को एक बार खंगाल के भाई साहब साफ सुख करने वाली है। वही अगर अपन बात करें रिलीजिंग डेट के बारे में, तो मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि दिसंबर मंथ का प्लान करके चल रहे, वो भी 2024 में, मतलब कि 2024 के लास्ट टाइम में प्लान करके चल रहे हैं। प्रोड्यूसर होम्बोले फिल्म सॉरी प्रोडक्शन हाउस होम्बोले फिल्म और प्रोड्यूसर विजय किरंगदूर। बाकी क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बस इतना पता है कि एक्शन ताबड़तोड़ लेवल पे होने वाला है कंतारा चैप्टर वन में, और काफी थ्रिलर होने वाला है जो कि काफी सरप्राइज करने वाला है इंडियन सिनेमा को और ऑल फिल्मी लवर को। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं ऋषभ शेट्टी सर की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कंतारा चैप्टर वन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है इसके शूट के बारे में, रश्मि रुक्मणी वसंत के बारे में जो कि बात की जा रही है कैरेक्टर के लिए कैमियो के लिए, और क्या लगता है अमेजोन प्राइम वीडियो के बारे में कितना यूज हो सकता है अमाउंट, अपने ओपिनियन भाई कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।